गोरखपुर, वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। आत्मनिर्भर की ओर आज देश आगे बढ़ रहा है। अनूप गुप्ता। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रम में आज संगोष्ठी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महानगर व जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन दी लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पर आयोजित संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम गोरखपुर क्लब में मुख्य अतिथि के रूप में अनूप गुप्ता, प्रदेश महामंत्री, भाजपा व विधान परिषद सदस्य एवं विधायक राजेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि तथा दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गीत के उद्बोधन के साथ शुरू किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता ने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी क्रांतिकारी पहल से मजबूत कर दी है। आज ये योजनाएं सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि भारत की हर कोने में विकास की नई कहानी लिखने वाले आधार स्तंभ बन गई है। विकसित भारत के निर्माण के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम मोदी सरकार ने किया। भारत बना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत। मोदी सरकार में देश डिजिटल बन रहा है। ये वही भारत है जो 2014 से पहले बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता था, लेकिन 2014 के बाद से इस देश ने रोटी, कपड़ा और मकान की सीमाओं को पार कर खुद को विकसित भारत के सपने से जोड़ा है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सेमीकंडक्टर हब से लेकर वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनने का सपना अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। आज का भारत आत्मनिर्भरता और विकास के पथ पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। मोदी की दूरदर्शी सोच की देन है, वैश्विक स्तर पर नाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की बचपन से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर और वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर किस प्रकार से उन्होंने काम किया, आज वह प्रधान सेवक के रूप में भारत के मस्तिष्क को दुनिया में ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। आज मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प भी पूरा हो रहा है। मोदी के कार्यकाल में आज देश का किसान सीधे सीधे सरकार से संवाद कर रहा है और सरकार भी सरकारी योजनाओं को सीधे किसानों के खाते में भेज रही है। पहले की सरकारों में बिचौलिया द्वारा बीच में योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक नहीं पहुंच पाता था, जो आज मोदी की सरकार में सीधे किसानों के खाते में योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। पूर्व की सरकारों ने गरीबों को हमेशा से दबाने का प्रयास किया है। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं वास्तविकता में निचले स्तर तक पहुंची है। गैस कनेक्शन के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, शौचालय योजना के माध्यम से, आवास योजना के माध्यम से गरीबों को एक नई दिशा व दशा प्रदान करने का कारण प्रधानमंत्री मोदी ने किया व गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं दी। संचालन महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता व विषय प्रस्तावना जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से विधायक राजेश त्रिपाठी, पुष्पदंत जैन, चिरंजीव चौरसिया, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, सत्या पांडेय, जनार्दन तिवारी, देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, अच्युत्यानंद शाही, सबल सिंह, आरडी सिंह, अमिता गुप्ता, ब्रह्मनंद शुक्ला, ब्रजेश मणि मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, रंजूला रावत, पद्मा गुप्ता, मनोज अग्रहरी, गौरव तिवारी, अवधेश अग्रहरी, श्वेता श्रीवास्तव, सत्यार्थ मिश्रा, रमेश चंद्र गुप्ता, मंडल अध्यक्षगण, जिला व महानगर पदाधिकारीगण एवं प्रबुद्ध जन व अन्य लोग संगोष्ठी में मौजूद रहे। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेखक, अनेक रचनाकार, उनके जीवन पर, उनके पूरे कृतित्व पर अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम कैसे लिखते हैं, वो इस पुस्तक के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व की शैली है, जो शासन 2014 से लेकर के प्रधानमंत्री के रूप में और उसके पश्चात जो पूरा उनका कार्यकाल रहा, उस पूरे कार्यकाल में जिस प्रकार का राजनीति